बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। थोड़ा फ्राइड है, ये सुन के लगता है कि अनहेल्दी है, लेकिन होता बहुत हेल्दी है। चलिए बनाते हैं इसे हम और देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए मैंने लिया है 4 इडली, 2 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर बारीक कटा हुआ, कड़ी पत्ता, हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, नींबू, सरसों के दाने, नमक, हल्दी, उड़द के दाल, मूंगफली क्रश किया हुआ, मेथी दाना। मैंने इडली के टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूंगी एक एक करके। सारे इडली फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, थोड़ा गोल्डन होने देना है। इसे उलट पुलट कर हम फ्राई कर लेंगे। ये हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई गरम किया है, उसमें मैं सरसों के दाने डाल दिए, मेथी के दाने, उड़द के दाल डाल दिए। इन सबको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा क्रंची होने तक। ये क्रंची हो चुका है, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डाल देंगे, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब प्याज डाल दूंगी, इसे भूनेंगे। नमक स्वाद अनुसार, ये देखिए गोल्डन हो चुका है। अब टमाटर मैंने डाल दिया इसमें, इसे भी मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। हल्दी डाल दूंगी, गोल्डन हो चुका है। अब इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मूंगफली क्रश किया हुआ, इसे पहले मैंने रोस्ट कर लिया था, इसे डालकर अच्छे से भून लूंगी। अब मैं इडली को डाल दूंगी। इडली अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। ये बन चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म फ्राइड इडली तैयार है। आप भी इसे अपने घर में इस तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए इसके टेस्ट को।